जीवंत सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता वाला माजुली द्वीप मौसम के बदलते मिजाज की वजह से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ इसका कुछ हिस्सा अपने साथ बहा ले जाती है। बार बार भूस्खलन से तट कटाव के कारण यहाँ बसावट कम होने लगी है। इसका सर्वाधिक असर यहाँ के सत्रों पर पड़ा है। पहले माजुली में 60 से अधिक सत्र थे, आज करीब 30 सत्र ही रह गए हैं। ज्यादातर सत्र दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो चुके हैं। सर्वाधिक सत्र माजुली में ही हैं। सत्र केवल धार्मिक संस्थाएं ही नहीं होती बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नयन में भी इनकी भूमिका होती है। प्रत्येक सत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे सामागुड़ी सत्र के मुखौटे देश विदेश में मशहूर हैं। असम में भावना का विशेष महत्व है। दरअसल भावना एक तरह की नृत्य नाटिका होती है। भावना में पशु पक्षियों की भूमिका अदा करने के लिए मुखौटों का प्रयोग होता है। अन्य नाटकों की तरह इसमें गहरा मेकअप और कॉस्ट्यूम का प्रयोग होता है। कलाकार घूम घूम कर संवाद बोलते हैं। मास्क बेसिकली तो ड्रामा के लिए हो गया, एपिक शिक्षा रामायण महाभारत कृष्ण लीला पुराण कोई स्टोरी लेकर हम लोग ड्रामा किए हुए। और ड्रामा जब करेगा क्या हुआ तो देखिए, इस समय कोई कोई कैरेक्टर अपना मुख पे मेकअप करके हम लोग परफॉर्म किए, और ऐसा ही कोई कैरेक्टर है तो जो कैरेक्टर मेकअप से संभव नहीं हो पाएगा उसी कैरेक्टर बेसिकली ये मास्क लगाना होगा। जैसे ये तो बर्ड एनिमल डीमन मतलब राक्षस का पकड़ लो, ये जटायु गरुड़ ब्रह्मा जी रावण नरसिंह बड़ा हो, ऐसा वाला कैरेक्टर हम लोग मुखौटे से परफॉर्म किए हुए। माजुली स्थित सामागुड़ी सत्र के वरिष्ठ सदस्य यानी गुरुजी डॉक्टर हेमचंद्र गोस्वामी स्थानीय बच्चों को प्रशिक्षित कर इस कला को सहेजने में जुटे हैं। मुखार तीनटा भाग आछे, ए भाग गिटा होल सोमुखा बा बरमुखा रावण कुम्भकर्ण नरसिंह जो आहिल लोटोकारी मुखा और तार विषय रहले मुख मुखा। मुखौटा बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। मास्क ड्रामे के लिए यूज होते हैं ना, उसी का सूता मास्क बनाते हैं 100 पीस, अपने घर में सजा सकते हैं, फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। महीने में तो 20,000 हो जाते हैं। पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से बने इन मुखौटों की उपयोगिता को लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम भी समझता है, इसलिए यहाँ के मुखौटे वहाँ भी रखे गए हैं।